बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो हमने बात की है उसमें देखें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कोई भी पॉपुलेशन पैरामीटर चेक किया जा सकता है। सबसे पहले जो हम पॉपुलेशन पैरामीटर चेक कर रहे हैं वो मीन है। सिंगल मीन यानी कि वन पॉपुलेशन मीन यानी कि एक पॉपुलेशन है, उसी के मीन को आप टेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है, आप जैसे ऐसी बात है जब कह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन का मीन है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, तो योर नल हाइपोथेसिस जैसे हमने पीछे क्लास में डिफाइन किया था वो होता है कि म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट हो जाएगा। म्यू नॉट इज एनी कांस्टेंट नंबर। लेट्स से कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की जो क्लास है उनके जो एवरेज स्कोर है आपकी यूनिवर्सिटी में, लेट्स से 72 स्कोर है उसका, तो आप इस क्लेम को टेस्ट करना जा रहे हैं, तो योर नल हाइपोथेसिस विल बी एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 72 योर विल बी योर नल हाइपोथेसिस। तो इस तरह के पर हम जो हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग है हम इसकी आज डिस्कशन करेंगे। तो जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस ये होगा तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी होती है कि म्यू लेस देन म्यू नॉट होता है, और म्यू हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी होती है म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है, और थर्ड पॉसिबिलिटी होती है कि म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट। तो इन तीनों के नाम हमने दिए थे। म्यू लेस देन म्यू नॉट जब होता है तो हम इसको जो है लेफ्ट टेल टेस्ट का नाम हमने दिया था, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट टेल टेस्ट। और जब म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट था इसके लिए हमने इसका नाम राइट टेल टेस्ट रखा था। और ये दोनों कंबाइन होके मतलब या तो लेफ्ट टेल या राइट टेल, इनका एक नाम और भी था, इनको हम जो है वन टेल टेस्ट भी कहते हैं, और म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट को हम टू टेल टेस्ट का नाम हमने दिया था। तो ये क्यों कहते हैं, ये सारी डिस्कशन हम ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं, जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो डिस्कशन की थी उसमें ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो हमारे पास ये नल हाइपोथेसिस है और ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इस तरह के टेस्ट को हम यूज करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप स्टेप्स को रिकॉल करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, वंस यू हैव डिफाइंड हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस डिफाइन हो चुका है, ठीक है, हम ये हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद आप सेकेंड स्टेप में आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेट करते हैं, और देन थर्ड स्टेप में अप्रोप्रिएट टेस्ट की बात करते हैं। तो इधर अप्रोप्रिएट टेस्ट क्या होगा, जब आप एक पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करने जा रहे हैं तो इधर अप्रोप्रिएट टेस्ट क्या होना चाहिए। तो इधर हमारे पास दो तरह के केसेस हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस जो है जो हम इधर डिस्कस करेंगे, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले केस ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन टू यू, आपको जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा में पॉपुलेशन के मीन को तो आप टेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन का मीन यानी कि पता नहीं है, आप उसको एस्टिमेट कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको किसी तरह से गिवन है। तो इस केस में हम जो है ये वाला टेस्ट लगाते हैं जेड टेस्ट के नाम से, जो है हमने जो ऑलरेडी सेंट्रल लिमिट थ्योरम में डिस्कशन की थी वो टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जेड टेस्ट। और जेड टेस्ट का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें उससे वाकिफ है कि जेड टेस्ट का फॉर्मूला इस एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर रूट एन। देखिए, इस जेड टेस्ट के बारे में हम ये कहते हैं ऐसे मतलब कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी बात की थी, मैं इधर वो कंडीशंस थोड़ी सी रिकॉल यहाँ पे दोबारा करूंगा। देखिए, कंडीशंस ये होती हैं कि अगर आपके पास सैंपल जो साइज है, स्मॉल एन इज योर सैंपल साइज, ये जो सैंपल साइज है अगर ये मतलब स्मॉल सैंपल साइज है, तो हम ये कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन जेड टेस्ट इज एप्लीकेबल। आप जेड टेस्ट लगा दें विदाउट एनी मतलब कोई हेजिटेशन के बगैर आप इसमें जेड टेस्ट लगा दें। अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सैंपल साइज छोटा है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन जेड टेस्ट लगा दें। दूसरा केस होता है कि आपका जो सैंपल साइज है वो मॉडरेट है, यानी कि 15 और 30 के इन बिटवीन कहीं पे लाई करता है, तो उस वक्त जेड टेस्ट लगाना सिर्फ उसी वक्त लगाना बेटर है जब आपके पास जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा आउटलायर्स ना हो,
या फिर दूसरे लफ्जों में वो जो आपके पास पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट ना हो, तो आप जेड टेस्ट लगा सकते हैं। और थर्ड केस ये होता है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन साइज इज लार्ज, मतलब 30 या 30 से लार्ज हो जाए, तो आप अगेन विदाउट एनी हेजिटेशन जेड टेस्ट लगा दें। उस वक्त जेड टेस्ट लगाना ही ज्यादा बेटर होता है अगर पॉपुलेशन साइज इज लार्ज, सॉरी सैंपल साइज इज लार्ज, सॉरी सॉरी सैंपल साइज इज लार्ज, तो उस वक्त जो है जेड टेस्ट लगाना बेटर है। तो हमारे पास इसमें कुछ इजम्पशंस है, हमारे पास जब आप ये जेड टेस्ट लगा तो रहे, इसमें कुछ इजम्पशंस हैं, तीन इजम्पशंस हैं जो हम इधर डिस्कस करते हैं। अगर ये इजम्पशंस पूरी होती हैं तो हम ये टेस्ट लगा देते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। पहली इजम्पशन ये होती है कि आपके पास जो सैंपल्स हैं वो सिंपल सिंपल रैंडम सैंपल्स होने चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले कई दफा ये बात डिस्कशन में हम कर चुके हैं कि हमारे पास जो सैंपलिंग की टेक्निक्स हैं, बहुत सारी सैंपलिंग की टेक्निक्स होती हैं, उसमें से एक सैंपलिंग की टेक्निक सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी होती है। तो हमारे पास एक अजम्पशन ये है कि आपके पास जो रैंडम सैंपल्स हैं वो सिंपल रैंडम सैंपल्स होने चाहिए। दूसरा ये है कि आपका जो सैंपल साइज है या तो वो लार्ज सैंपल होना चाहिए, मतलब लार्ज सैंपल, ऐसे मैंने अभी डिस्कशन आपसे की कि सैंपल शुड बी लार्ज। और इस दूसरे मतलब इसमें ये भी है कि लार्ज सैंपल के साथ, अगर लार्ज सैंपल नहीं है तो कम से कम इतना हो कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये आपके पास कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन जैसे हेडिंग में लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होना चाहिए, यानी कि सिग्मा शुड बी नोन, सिग्मा मस्ट बी नोन कहना चाहिए, सिग्मा गिवेन होना चाहिए। तो उस वक्त आप जो है ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है जेड का, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें, जेड इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर रूट एन। ये ऑलरेडी ये फॉर्मूले से आप अच्छी तरह से वाकिफ है, तो ये हमारे पास अप्लाई हो जाता। तो ये एक केस था जो कि हमने डिस्कस किया, अब इसकी एग्जाम्पल भी करेंगे। मैं पहले दोनों केसेस बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोनों के एक साथ हम एग्जाम्पल करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आपको कोई सारी इजम्पशंस वगैरह भी बता दूं, और इजम्पशंस बताने के बाद दोनों टेस्ट आपके सामने जब आ जाए फिर प्रॉब्लम है, आप खुद ही डिटरमाइन करो कि इधर जो है कौन सा वाला टेस्ट लगाना ज्यादा बेटर है, मतलब क्या कंडीशन दी हुई है उस हिसाब से कौन सा टेस्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। तो ये खुद ही पहचानने का, मैं इधर आपको वैसे कंडीशंस बता दिए कि कौन ये टेस्ट कब एप्लीकेबल है, दूसरा टेस्ट जो बताने जा रहा हूँ उसमें भी आपको कंडीशंस बताऊंगा कि वो कब एप्लीकेबल है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल जो दूंगा उससे आप खुद ही फिर इंशाल्लाह डिटरमाइन करने के काबिल हो जाओगे कि कौन सा टेस्ट कब एप्लीकेबल होता है। केस टू जो है बिल्कुल आप समझ लें कि केस वन का एक तरीके का ऑपोजिट है, उसमें आप कह रहे थे कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवेन हो, पता हो आपको, इसमें हम कह रहे थे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवेन नहीं है, मतलब अननोन है। तो इस केस में जो है हम जेड टेस्ट तो नहीं लगा सकते, बिकॉज जेड टेस्ट में हमारे पास सिग्मा शुड बी देयर, तो जेड टेस्ट नहीं लगा सकते। तो किधर क्या करें, इधर हम जो है फिर टी टेस्ट जो है उसको यूज करना पड़ता है। वी नो दैट टी टेस्ट इज गिवन बाय एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस ओवर रूट एन, वेयर एक्स एस इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बाकी सब चीजों का तो हम पता ही है। और जब टी टेस्ट की बात होती है तो टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी बात होती है। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम ऑलरेडी पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो एन माइनस वन इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। इसको हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं, या स्टूडेंट टी टेस्ट भी किसको कहा जाता है, सिर्फ टी टेस्ट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास टी टेस्ट लगाया कब जाता है, जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं, अननोन है, या दूसरे लफ्जों हम ये कह सकते हैं कि जब पॉपुलेशन मीन आप टेस्ट करने जा रहे हैं, और जिन केसेस में जेड टेस्ट लगाना बेटर नहीं है, जैसे मैंने पीछे डिस्कशन अभी की थी कि जेड टेस्ट कब लगाना बेटर नहीं है, तो उन केसेस में आप टी टेस्ट लगा दें ज्यादा बेटर है। तो एजम्पशंस अगर देखी जाए, एजम्पशंस ऑलमोस्ट सेम है जो अभी पीछे हमने डिस्कशन की थी जेड टेस्ट के लिए। एजम्पशंस इधर भी ऑलमोस्ट सेम है, पहली एजम्पशन वही है कि आपके पास जो रैंडम सैंपल्स हैं वो सिंपल रैंडम सैंपल्स होने चाहिए, सिंपल रैंडम सैंपल्स होने चाहिए।
और दूसरी रमशन इसमें यह है कि आपके पास सैंपल जो है वो लार्ज सैंपल हो। लार्ज सैंपल के मीनिंग इधर जरूरी नहीं होता कि हमेशा 30 या 30 से ज्यादा की बात करें। लार्ज सैंपल का मतलब ये कि आपका वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए। तो लार्ज सैंपल हो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो जैसे हम भी हमने कहा था जेड टेस्ट कब लगाना बेटर है, अगर आपको पॉपुलेशन में 30 या 30 से ज्यादा साइज ज्यादा है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन जेड टेस्ट लगा दें। अगर उसमें मॉडरेट है, 15 और 30 के दरमियान में अगर आपको सैंपल साइज है, तो जेड टेस्ट लगाना सिर्फ उसी वक्त बेटर है जब आपके पास उसके अंदर आउटलायर्स मौजूद ना हो। लेकिन ये बात ऐसी बात है, आउटलायर्स मौजूद है या नहीं है तो इसको पूरा टेस्ट करना पड़ता है। तो उस केस में हम ये कहते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है इसमें हम ज्यादातर बेटर है कि आप टी टेस्ट लगा दें, क्योंकि आउटलायर्स चेक करने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि आप टी टेस्ट ही इस वाले केस के अंदर यूज कर लें। और अगर आपका सैंपल साइज स्मॉल है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तब आप जेड लगा दें। और अगर अगेन वही वाली बात जैसे मैंने अभी आपसे कही कि सैंपल साइज मॉडरेट हो या स्मॉल हो, आपको उसमें आउटलायर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या ये नहीं पता कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, तो उसमें बेटर ऑप्शन यही है कि आप टी टेस्ट का ऑप्शन यूज करें, ज्यादा बेटर है। और थर्ड तो यही है कि आपको सिग्मा अननोन है, जैसे हेडिंग में लिखा हुआ है सिग्मा इज नॉट गिवन टू यू, तो इस केस में टी टेस्ट लगा दें। ये हमारा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे उसमें एप्रोप्रिएट टेस्ट का जो जिक्र था स्टेप नंबर 3 के अंदर, ये वो स्टेप है। बाकी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स हैं वो हम ऑलरेडी हमें पता है, जब ये एप्रोप्रिएट टेस्ट लग जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ हमें उन सब चीज़ों से वाकिफ है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, उस एग्जाम्पल्स में आप खुद ही जो मैंने आपसे बातें अभी की हैं इन बातों को देखते जहन में रखते हुए आप खुद ही पहचानोगे कि इधर कौन सा टेस्ट लगाना बेटर है। ओके, एक एग्जाम्पल इसमें कह रहे हैं रैंडम सैंपल ऑफ 100। अब देखें, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पे बता दूं, सैंपल साइज आप देखें, सैंपल साइज इज वेरी वेरी लार्ज। सैंपल साइज अगर बहुत ज्यादा लार्ज होता है तो उसमें वैसे भी टी टेस्ट अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर सैंपल साइज ज्यादा लार्ज हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन जेड टेस्ट लगाएं, आपको उसमें टी टेस्ट पे जाना बेटर है ही नहीं, टी टेस्ट ना लगाएं ज्यादा बेटर है। तो इसमें वैसे मुझे क्ल्यू मिल गया यहाँ पे कि जेड टेस्ट लगाना है मुझे यहाँ पे, लेकिन अभी खैर मैं कुछ अभी ये बात डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि हो सकता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन है भी कि नहीं है, वो अभी आगे चल के पढ़ते हैं। अभी तो खैर मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है क्योंकि अभी हम टॉपिक वही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा भाई कि इतने से मुझे आइडिया हो रहा है कि जेड टेस्ट लगाना है। अभी हाइपोथेसिस का सवाल है, किसका सवाल है वो तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो एनीवे, सैंपल साइज इज 100, एन इज इक्वल्स टू 100 दिया हुआ, और इसमें कह रहा है ड्यूरिंग एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 71.8, यानी कि ये सैंपल का मीन है। तो सैंपल मीन इज गिवन टू यू इज एक्स बार इज इक्वल्स टू 71.8 ईयर्स, अज्यूमिंग अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। देखें अगेन पॉपुलेशन का वर्ड यूज कर रहा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, विच इज 8.9 ईयर्स। अच्छा आगे कहता है डज दिस सीम, हाँ देखिए यहां से आपको आइडिया होगा, डज दिस सीम टू इंडिकेट द मीन लाइफ स्पैन टूडे इज ग्रेटर देन 70s। मतलब आपको एक तरीके से अगर आप इस सेंटेंस को रिफ्रेस करें तो इसका मतलब है, ये कह रहा है कि टेस्ट द क्लेम डेट मीन लाइफ इज ग्रेटर देन 70 ईयर्स। तो ये आपको एक क्लेम है जो कि टेस्ट करना है, यानी कि इस केस में नल हाइपोथेसिस में तो हमें पता है कि इक्वल्स टू का साइन लगता है वो तो 70 आ जाएगा। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में मैं ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगा, तो जैसे इसने क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि ग्रेटर देन 70 ईयर्स, तो म्यू इज ग्रेटर देन 70 ईयर्स। यूज 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एल्फा भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया है 0.05,
ये बात भी हो गई, तो हमारे पास फर्स्ट टू स्टेप्स आर क्लियर। हाइपोथेसिस डिफाइन कर चुके हैं और अल्फा भी डिफाइन कर चुके हैं। अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे ये बात क्लियर नजर आ रही है कि ग्रेटर देन 70 ये सजेस्ट कर रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज राइट टेल टेस्ट। अच्छा जनाब, अब आप बात करते हैं अप्रोप्रिएट टेस्ट की। व्हाट इज द अप्रो व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट टेस्ट हेयर? तो हमने डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, N100 है, तो इसमें जेड टेस्ट लगाना ही बेटर है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, तो जेड टेस्ट ही लगाना है इधर। तो जेड टेस्ट का फॉर्मूला इज एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर √N। एक्स बार गिवन टू यू इज 71.8 माइनस 70 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज 8.9 एंड डिवाइडेड बाय √N मतलब 100। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.02 आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। और ये बात हमने कही है कि भाई आप जो चीज कैलकुलेट सॉरी फॉर्मूले से निकालते हैं, फॉर्मूले से जो वैल्यू आती है डेट इज कॉल्ड योर टेस्ट वैल्यू। दिस इज योर टेस्ट वैल्यू, आपको मिली है। अब टेस्ट वैल्यू जब आ जाती है उसके बाद आप टेबल देखते हो। टेबल आप किसका देखोगे? टेबल आप देखोगे इसमें ऑब्वियसली जेड टेस्ट लगाया है तो जेड का ही टेबल देखेंगे आप। तो टेबल देखते हैं, फ्रॉम टेबल हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम टेबल, टेबल में आप जेड जो है कैसे देखते हैं, ये चीज ऑलरेडी हम कई दफा डिस्कशन कर चुके हैं। सो दिस इज टेबल ऑफ जेड और हमारे पास 0.05 इज योर अल्फा। तो 0.05 को अगर आप फाइंड करेंगे तो 0.05 के क्लोज दो नंबर्स हैं, दो प्रोबेबिलिटीज 0.05 के क्लोज हैं, 0.0505 और 0.0495। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जेड आप देखेंगे क्योंकि दोनों ही के मिड में 0.05 लाया करता है, 0.0495 और 0.0505 के मिड में आपका 0.05 लाया करता है। तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जेड का मिड पॉइंट आप ले लें यानी कि एवरेज ले लें, तो इसका -1.64 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जेड और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जेड इज -1.65। तो इन दोनों का आप जब एवरेज लेंगे दैट विल बी -1.645 विल बी योर एवरेज। सो हमारे पास टेबल से जो वैल्यू आई है डेट इज जेड, उसको हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू इज -1.645, लेकिन मैं इसको माइनस में नहीं लिखूंगा, मैं इसको प्लस में लिखूंगा। क्या वजह है? बिकॉज इट इज आर राइट टेल टेस्ट और हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये बात पता है कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ये सिमेट्री होती है। तो ड्यू टू सिमेट्री आप जो है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम नंबर होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात हो रही होती है। तो मैं अगर ग्राफ से बात आपको एक्सप्लेन करूं तो फ्रॉम ग्राफ मुझे ये जो है म्यू इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लाए करता है बिकॉज ये स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में ये तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आई है 1.645 यानी के ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू इज 1.645। माइनस में लिखने का कोई सेंस नहीं है बिकॉज ये आपने इधर कहा है राइट टेल टेस्ट है, तो राइट टेल का मतलब है भाई राइट साइड पर टेल बनेगी ना, ये टेल बनेगी राइट साइड पर। अगर लेफ्ट टेल होता तो मैं इसको माइनस ही कंसिडर करता, लेकिन ये राइट टेल है तो इसलिए मैंने इसको प्लस में कंसिडर किया। तो 1.645 इज योर क्रिटिकल वैल्यू। टेस्ट वैल्यू आई आपके पास 2.02। वेयर इज 2.02? वेदर इट इज लाइंग इन द क्रिटिकल रीजन और इट इज लाइंग आउटसाइड द क्रिटिकल रीजन। क्लियरली यू कैन सी दैट दिस टेस्ट वैल्यू, ये जो टेस्ट वैल्यू है ये लाई कर रही है इनसाइड क्रिटिकल रीजन। तो टेस्ट वैल्यू जब क्रिटिकल रीजन के अंदर आती है तो आप जो है एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। देन फाइनली आप अपनी कंक्लूजन लिखते हो उन्हीं वर्डिंग्स के अंदर जिन वर्डिंग्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद ही कर सकते हैं, सिर्फ वर्डिंग लिखनी रह गई है। एच नॉट को रिजेक्ट करना है, व्हाट इज एच नॉट ये इधर डिफाइन हुआ हुआ है, इस क्लेम को रिजेक्ट करना है। और एच नॉट रिजेक्ट होने का मतलब है आप किसके फेवर में बात कर रहे हो,
आप एक क्लेम रिजेक्ट होता है तो दूसरे के फेवर में बात होती है, एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है तो एच वन के फेवर में बात होगी। तो ये अब आप यहाँ से कंक्लूजन लिख सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, इसमें अगर आप थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट पढ़े क्वेश्चन की, द एडिसन इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट हैज पब्लिश फिगर्स ऑन द नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स डॉट डॉट डॉट, इट इज क्लेम डेट वैक्यूम क्लीनर यूजेस एवरेज ऑफ 46 kWh पर ईयर। अच्छा एक चीज देखें, अगर आप इस स्टेटमेंट को ये वाली पढ़े, इट इज क्लेम डेट वाली, ये वाली स्टेटमेंट में कहीं पे सैंपल का जिक्र नहीं है, तो यानी कि ये जो आपको एवरेज दे रहा है, ऑब्वियसली दिस एवरेज इज ऑफ पॉपुलेशन का मीन है ये, ठीक है, ये पॉपुलेशन मीन है। इट इज क्लेम डेट, यानी कि व्हाट इज दिस, दिस इज हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस हो गई है। म्यू नॉट, म्यू एच नॉट जो दिया हुआ, म्यू इज इक्वल टू 46 दिया हुआ, ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है। फिर भी हम आगे क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे। रैंडम सैंपल ऑफ 12 होम्स, यानी के सैंपल साइज गिवन है 12, इंक्लूडेड स्टडी इंडिकेट्स डेट वैक्यूम क्लीनर यूज एवरेज ऑफ 42। ठीक है, ये सैंपल का जिक्र कर रहे हैं ना, 12 होम्स जो है वो एवरेज क्या यूज कर रहे हैं, 42 का एवरेज यूज कर रहे हैं पर ईयर, और वही 12 होम्स जो है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ, यानी कि इसमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, सैंपल का दिया हुआ, सैंपल दिया हुआ 12, उसका एवरेज दिया हुआ, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सैंपल साइज इज 12, और इसमें सैंपल का जो एवरेज दिया हुआ एक्स बार डेट इज 42 kWh पर ईयर। और इसी तरह से इसमें अगर आप देखें स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी सैंपल का दिया हुआ 11.9, 11.9 kWh पर ईयर दिया हुआ। और सिमिलरली अल्फा, तो खैर वो तो अल्फा इज इक्वल टू 0.05 है। अब जरा क्लेम देखते हैं, क्लेम क्या दिया हुआ है, एच नॉट, व्हाट इज एच नॉट, ऊपर वैसे आप पढ़ चुके हैं, क्लेम डेट एवरेज यूजेस जो है ना, ये आपको पूरी पॉपुलेशन का क्लेम है, इधर सैंपल का कोई जिक्र नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये पॉपुलेशन के ऊपर क्लेम आप कर रहे हैं। सो आपके अगर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े, डज दिस सजेस्ट डेट एट दिस लेवल द वैक्यूम क्लीनर यूज लेस देन 46 आवर एनुअली। ये सिंबल किस में आता है लेस देन का, ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में लेस देन का सिंबल आता है, और नल हाइपोथेसिस के अंदर इक्वल्स टू का सिंबल आता है, एज वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। सो म्यू इज इक्वल टू 46 kWh पर ईयर, और एच वन जो है वो हो जाएगा म्यू लेस देन 46 kWh पर ईयर। सो हमारे पास पूरा दो स्टेप्स हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में हाइपोथेसिस डिफाइन करना होता है, तो हाइपोथेसिस आप डिफाइन कर चुके हैं एच नॉट और एच वन के नाम से, और अगर आप एच वन में साइन देखें, लेस देन का साइन आ रहा है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर लेफ्ट टेल टेस्ट। एल्फा भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, तो एप्रोप्रिएट टेस्ट नजर आ रहे हैं पूरे डेटा को देखते हुए, कि सैंपल साइज भी ये सजेस्ट कर रहा है, और जैसा डिस्कशन हमने बिल्कुल लेक्चर के शुरू में की, कि अगर ये सिचुएशन अगर इस तरह की आ जाए तो इसमें हमारे पास टी टेस्ट का ऑप्शन ही लगाना बेटर है, तो इधर मैं टी टेस्ट यूज करूंगा, बिकॉज पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, सैंपल साइज भी मुझे ये सजेस्ट कर रहा है, ये दोनों वजूहत देखते हुए मैं यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई करूंगा। सो टी टेस्ट इज एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस ओवर रूट एन। सो एक्स बार इज 42 माइनस मीन इज म्यू इज 46 डिवाइडेड बाय एस इज 11.9 एंड सैंपल साइज इज 12। सो इफ वी कैलकुलेट दिस वी विल गेट माइनस 1.16। और जैसे हमें पता है भाई जो चीज़ फॉर्मूले से आती है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर टेस्ट वैल्यू,
और हमें पता है भाई टी टेस्ट में एक चीज और निकाली जाती है जिसका नाम डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 1, ऑब्वियसली दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 11। सो फॉर क्रिटिकल वैल्यू हमें पता है भाई टी टेस्ट के केस में क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, तो टी टेस्ट में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक अल्फा के नाम से, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अल्फा इज गिवन टू यू 0.05 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 11। सो फ्रॉम टेबल, अगर मैं टेबल दिखाऊं आपको इसका, दिस इज टेबल ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, और टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ये सारे अल्फा लिखे हुए हैं कॉलम्स के अंदर, और फर्स्ट कॉलम के अंदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखे हुए हैं। अल्फा इज 0.05, तो ये आपका 0.05 है, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 11। सो हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो, ये हमारे पास इसकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई 1.796। ये आइए राइट टेल के ऊपर, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लेफ्ट टेल के ऊपर है। तो अगर मैं इसको पहले सिचुएशन समझा दूं आपको, आपका ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर आपको बात करनी है लेफ्ट टेल पे। तो लेफ्ट टेल हमें पता है भाई सिमेट्री होगी, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग भाई आपका जो टेबल है वो टेबल सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल वैल्यूज राइट साइड की देता है। तो अगर मैं सिमेट्री के अकॉर्डिंग बात करूं, तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू जो है माइनस के अंदर आएगी, तो जो वैल्यू आपने पॉजिटिव में वहां देखी है वही वैल्यू आप यहाँ पे इसको माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। और माइनस की फॉर्म में मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये लेफ्ट टेल टेस्ट है। तो लेफ्ट टेल टेस्ट है ये हमारे पास पूरा, ये चीज है। तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू जो आई है वो हमारे पास आई है -1.796 आई है। अब आप क्रिटिकल वैल्यू और टेस्ट वैल्यू को कंपेयर करते हो कि भाई क्रिटिकल वैल्यू और टेस्ट वैल्यू को कंपेयर किया जाता है कि वेदर टेस्ट वैल्यू इज लाइंग इनसाइड द क्रिटिकल रीजन और इट इज लाइंग आउटसाइड द क्रिटिकल रीजन। तो अगर आप इसको देखें भाई, इसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यार टेस्ट वैल्यू इज लाइंग आउटसाइड द क्रिटिकल रीजन। सो आप कह सकते हैं देयरफॉर टेस्ट वैल्यू लाइज, मतलब -1.16 है ना, तो -1.16 विल लाइज समवेयर हेयर, तो टेस्ट वैल्यू लाइज आउटसाइड क्रिटिकल रीजन। तो जब बाहर वैल्यू आती है तो उस केस में क्या होता है, एच नॉट को रिजेक्ट नहीं किया जाता। तो एच नॉट रिजेक्ट नहीं होता तो किसके अगेंस्ट में बात हो रही है, आप एच नॉट के फेवर में बात कर रहे हो और अगेंस्ट में बात कर रहे हो, एच वन के अगेंस्ट में बात कर रहे हो। तो क्या बहरहाल हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई, इस क्वेश्चन के अंदर हाइपोथेसिस टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको फाइनली इसमें कंक्लूजन लिखनी है, और कंक्लूजन आप इस स्टेटमेंट को देख लें, एच नॉट आपने क्या डिफाइन किया हुआ था उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उस क्लेम को, और एच वन वाले को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो क्लेम क्या है, आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हुए इसकी वर्डिंग आप खुद ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व की। एक एग्जाम्पल में आपने देखा जेड टेस्ट लग रहा था, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं होता कि यहाँ पे जेड लगाओ या टी लगाओ, आपको खुद ही डिसाइड करना होता। तो आपने खुद ही इधर देखा कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है टेस्ट डिसाइड करना, बस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो टेस्ट डिसाइड करना इज नॉट अ बिग इशू। तो हमने दोनों तरह के केसेस में दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिया। तो इसके क्वेश्चंस जो है आप लोग करेगा अपनी टेक्स्ट बुक में से, या किसी भी रेफरेंस बुक से आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसके। तो हमारे पास फिलहाल आज के टॉपिक यही था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर वन पॉपुलेशन मीन। इसमें दो तरह के केसेस थे, दोनों तरह के केसेस को हमने डिस्कस किया, कौन सा केस क्या है, और उनकी एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस कर ली। तो फिलहाल आज के लिए मैं यहीं तक बात करता हूँ।